फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, काफी काफी खास ट्रेलर नजर आ रहा है और आप दोनों की केमिस्ट्री काफी खास नजर आ रहा है. सारा अगर देखा जाए तो हमेशा हमने देखा है पेपराजी की बात हो या ऑडियंस की बात हो, आपके साथ ही अनन्या ने डेब्यू किया था, जानवी ने डेब्यू किया था, हमेशा ऑडियंस आप तीनों को कंपेयर करती है जिसमें सबसे आगे आप नजर आती हैं. कहीं ना कहीं इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर भी बढ़ जाती है कि हमें किस तरह का आप देखती हैं किस तरह इस बातों को. देखिए मुझे लगता है दैट ऑल थ्री ऑफ अस आर वेरी यंग गर्ल्स एंड यू नो इट्स आई अंडरस्टैंड व्हाई इट हैपेंस, मैं समझती हूँ क्यों होता है, लेकिन किसी भी इंसान को एक इंसान से कंपेयर करना इट जस्ट डजंट मेक सेंस. आई थिंक हम तीनों बहुत अलग भी हैं as people, as actors in general. So I don't see the point in comparing or anything like that. I mean, and they're both my contemporaries. They're both friends of mine and I wish them the best and I hope they are wishing me the best right now as well. So. मेरा सवाल कार्तिक, मैं पूछूं? जी सर. हाँ. जी सर, सॉरी. कहाँ पे? देखिए इधर देखिए, नहीं देखेंगे तो भी चलेगा. आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आ जाइए. आवाज तो सर, आवाज और एक टकला नजर आ रहा होगा. सुनिए क्या टक टक, ठीक है चालू करें. मेरा सवाल आप दोनों से है, क्योंकि लव आजकल इतनी कामयाब फिल्म रही है, अमिताभ साहब को किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, मोहब्बत को शायद वो बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं जी. क्या आप दोनों का यकीनन कंपैरिजन होगा क्योंकि वो इतनी बड़ी इतनी कामयाब फिल्म रही है? आपका सैफ साहब से होगा और आपका दीपिका से होगा. व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट, यू नो देयर विल बी अ कंपैरिजन व्हेन एवर द फिल्म गेट रिलीज. I feel that अभी किसी और comparison की बात हो रही थी, तो I think comparison is something कि चलता रहता है और शायद चलता रहेगा. But I don't think कि ये लव आजकल 2 है, ये हम sequel नहीं बना रहे हैं. ये film प्यार आज जो है उसे दर्शाने की कोशिश कर रहा है. और इम्तियाज सर ने मेरे हिसाब से और दीपिका ने और मेरे फादर ने और दीनू ने 11 साल पहले बहुत ही अच्छे से दर्शाया था कि लव तब क्या था. अब आज हम लोगों ने वही कोशिश की है, तो शायद कंपैरिजन होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम एक सीक्वल बना रहे हैं. ना मुझे लगता है कि कार्तिक ने मेरे फादर का किरदार निभाने की कोशिश की है या मैंने दीपिका का किरदार निभाने की कोशिश की. क्या का किरदार निभाने की कोशिश की है? नहीं, ऐसा नहीं है. आई थिंक दैट वी आर ऑल इंडिविजुअली टेलिंग अ न्यू स्टोरी दैट इज विद डिफरेंट कैरेक्टर्स. हमारे कैरेक्टर्स अलग हैं, हमारी कहानी अलग है, प्यार आज हम सब के हिसाब से अलग है. सो आई थिंक वी ऑल कम टुगेदर टू शोकेस दैट. बट आई मीन लिटिल बिट ऑफ कंपैरिजंस दैट आर नॉट रियली नेसेसरी विल आई गेस कंटिन्यू बिकॉज दैट्स व्हाट थ्राइव्स हियर. सो कार्तिक आप बोलेंगे कंपैरिजन? जी सर, मैं तो कौन सा गाना है ये? सर, जैसा सारा ने बोला कि ये कम्प्लीटली नई फिल्म है और ये उन कैरेक्टर्स को लेके कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे थे. लव आज और कल का जो टाइम फ्रेम भी है, इसका 1990 या 2020 का कंपैरिजन ज़्यादा होगा कि रैदर देन एक्टर्स का कंपैरिजन. मेरे को ऐसा लगता है, आपने ट्रेलर में देखा होगा, कम्प्लीटली डिफरेंट साइड है, कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं और जिस तरीके से दर्शाया गया है, आई डोंट थिंक सो इसका कुछ एक थीमेटिकली एक चीज़ हो सकती है कि वो आज और कल, जो कि लव आजकल हमेशा रहेगी. सर कल को एक और लव आजकल जब हमारे साथ फिर से बनाएंगे तो उसमें वापस से ऐसे कर पाएंगे 2030 2000, तो वो चीज़ हो पाएगी. लेकिन वैसा कंपेरिजन रॉन्ग है. आई थिंक वी कैन नेवर रेप्लीकेट वॉट दे हैड डन इन लव आजकल एंड ऑफकोर्स दिस इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट फिल्म, तो वो कंपेरिजन तो ना ही हो.